करते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों आज पेंटिंग की नौबत आई है? क्योंकि सूरज जो कि अब बंद हुआ है, उसे कहा गया है कि अगर तुम कुछ काम करोगे, ये जो कुओं को पेंट करने का काम दिया है कमल नारायण ने, अगर ये कंप्लीट करोगे तो तुम्हें खाना मिलेगा, इसलिए वो बेचारा काम कर रहा है। अच्छा, वैसे देखा जा रहा है कि कमल नारायण गांव वालों को कहीं ना कहीं एक तरफ भड़का ही रहा है, सूरज की पहले वाली बातें याद जी जी, जिसकी वजह से गांव वाले कुछ खिलाफ या साथ रहेंगे उस बारे में। कमल नारायण बहुत तेज दिमाग का आदमी है, उसने एक तरफ से बोल दिया कि अगर गांव वाले चाहें तो उसकी हेल्प कर सकते हैं, और दूसरी तरफ ये बीज बो दिया कि तुम याद रखना कि इसने तुम लोगों के साथ बुरा किया था। तो अब एक तो कमल नारायण का डर और दूसरी ये बात जो उनके दिमाग में डाल दी गई है, उसकी वजह से कोई हेल्प करने के लिए आगे भी नहीं आ रहा। अच्छा, वैसे अगर कमल नारायण की बात करें तो वो कुछ ना कुछ करवाते हैं पानी और खाने के लिए, लेकिन वो चीज़ वो पूरी नहीं कर जी। वो जो उनका चरित्र है वो एक चीटर का है, तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, काम भी करवा लेंगे, शायद इसके बाद खाना दें या ना दें वो मुझे नहीं मालूम है अभी, लेकिन हैं वो, बदल जाते हैं। जैसे सूरज को तो 7 दिन हो ही गए हैं भूखा प्यासा रह के, ये 11वां दिन है। और लेकिन देखा जा रहा है कि वो लिबास जो रोज का है, तो पर्सनली क्या पूछेंगे, रोज का एक ही लिबास पहनना मतलब? हाँ, अगर देखा जाए तो शूट पे तो धुल धुला के कपड़े आते हैं, फिर उन्हें कपड़े गंदे करने होते हैं, बट हाँ इस लुक के लिए मुझे वीक दिखना है तो उसके लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, कि उस तरह की डाइट थोड़ी रखनी पड़ती है, जिम वगैरह नहीं जा रहा हूँ आजकल। आई एम ट्राइंग कि जितना हो सके उतना कैरेक्टर में दिखूँ, और बाकी हमारे मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, वो भी जिस तरह का मेकअप करते हैं उससे थोड़ा डर लगता है। सो फाइनली सूरज और चकोर की तो उम्मीद कहीं ना कहीं अभी भी है कि कुछ तो काम बन ही जाएगा खाने और पानी का। जी हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और जो कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं ताकि खाना खाएं, क्योंकि चकोर ने उसे समझाया कि मतलब जो सूरज है वो ज़िद कर रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा और मर जाऊंगा, लेकिन उसके सामने मैं घुटने नहीं टेकूंगा, लेकिन चकोर उसे समझाती है कि अगर उससे लड़ना है तो तुम्हें शक्ति की ज़रूरत है, शक्ति तब आएगी जब खाना खाओगे, तो उसके लिए तुम्हें ये करना है।